कहाँ दारू बंद हो गया? दारू के आग में मेरा भाई जल रहा है। नीतीश सरकार कहते हैं कि हम बिहार में दारू बंद कर दिए हैं, यहाँ तो पूरे घर घर में दारू मिलता है। पहले तो लोग ठेके पर जाते थे, यहाँ तो एक फोन मारो घर में दारू आता है। पढ़े लिख देखते हैं, हमको पैसा चाहिए। अच्छा, 10 लाख? 10 लाख चाहिए? हाँ। क्या मांग है? पढ़ने लिखने का। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? पढ़ने लिखने के लिए पैसा चाहिए? हाँ। कितना पैसा चाहिए? 10 लाख। अच्छा, अच्छी में वो दारू रामजी शाह द्वारा बेचवाते थे। अच्छा, वो भी मर गए? मतलब जो दारू बेचवाते थे वो भी गया? नहीं नहीं, हाँ। मतलब जो बेचता था मधु सिंह का जो दारू बेचता था आदमी, हाँ। वो भी मर गया है। मतलब जो पेशेंट अभी बीमार चल रहे हैं उनकी भी हालत गंभीर है। हॉस्पिटल में जाइए, आप देखिए कि हर 10 मिनट पे लोग आ रहे हैं और यहाँ से रेफर किया जा रहा है छपरा पटना, जहाँ भी रेफर किया जा रहा है। और चौकीदार लोग इधर उधर घूम घूम करके पूरे मसरक थाने में जिधर जिधर है जलवाया जा रहा है, पूरे मसरक थाना के ये 5 किलोमीटर के एरिया में घूम लीजिए, हर जगह मिलेगा कि कहीं ना कहीं लाश जल रहा है। आप 5 किलोमीटर के एरिया में घूमने का जला दिया है। देखिए भैया, आप ही का ना भाई थे वो? जी, हमारे बड़े भाई थे। देखिए, बड़े भाई थे, एक भाई अपना भाई का दुख सुनाएगा। आखिरकार बिहार में शराब बंद है तो शराब मिल कहाँ से रहा है? नीतीश जी जरा गौर फरमाइएगा, सारण आइए और सारण के मसरक पहुंचिए और देखिए यहाँ की हालात। एक एक घर के बाद एक एक घर में शराबी मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं पेशेंट मिल रहे हैं, नहीं तो मौतें मिल रही हैं। क्या कहेंगे इस पे आप भाई? जी सर, बोल रहे हैं कि बिहार में नीतीश जी का दारू का जो बंदी है वो फेल है। हमारे भाई दारू से, जहरीला दारू से मर गए हैं। हमारे भाई के छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, 2 लड़का है और 1 लड़की है, 1 बच्चा उनका विकलांग हाथ से है। ठीक है, हमारे घर पे रोज सुबह, हमारे घर पे रोज सुबह प्रभु नारायण सिंह उर्फ मधु सिंह, पिता स्वर्गीय साहेब सिंह जिनका घर हुआ मसरक चांद बरवा, और उनका यहाँ पर भी घर है मसरक जदूमुर पे गुरुकुल स्कूल के बगल में, रोज आते थे, हमारे भाई को बुला के लेकर जाते थे और पिलाने के लिए। अच्छा, हाँ। और उसके बाद गाछी में वो दारू रामजी शाह द्वारा बेचवाते थे। अच्छा, वो भी मर गए? मतलब जो दारू बेचवाते थे वो भी गया? नहीं नहीं, हाँ। मतलब जो बेचता था मधु सिंह का जो दारू बेचता था आदमी, हाँ। वो भी मर गया है। मधु सिंह भी हॉस्पिटल है? मधु सिंह कोई बोल रहा है कि अभी मर गए हैं, जिंदा है, यहाँ है, वहाँ, मतलब कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा है जो बात हो, मतलब वो सामने नहीं आ रहा है। लोग बोल रहे हमारा भाई मरा है, दुख हमको है, जो है बात आपसे हम बता रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे भाई मतलब कल सुबह से उल्टी किया, उसके बाद बोला कि हम आँख में बहुत दिक्कत हो रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। और फिर मतलब जाकर सो गया, बोला कि ठीक हो जाएगा, फिर सामने उठा, बहुत बेचैनी में था। उसके बाद हम लोग मसरक हॉस्पिटल में ले गए, पुर्जा भी है मेरे पास, देखिए। मसरक हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ मसरक का ये स्थिति यह है कि यहाँ कोई भी मरीज जाए वो लोग देखते नहीं है। अस्पताल में डॉक्टर आएगा तब ना देखेगा? सुनिए, अस्पताल में डॉक्टर भी नहीं रहता है और यहाँ कुछ व्यवस्था ये नहीं है, कुछ रेफर टू छपरा, रेफर टू पटना, यही होता है सर। कुछ व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है। देखिए, मसरक हम दिखाए, उसके बाद उनको छपरा ले गए, ले जाते जाते भाई हमारे मर गए। मतलब काफी गंभीर स्थिति है, गंभीर स्थिति से पल रहा या सारण जिला। अब तक कितने लोगों की मौत शराब पीने से हुई है इसका कोई गिनती नहीं कर सकता है। जीता जागता उदाहरण जो होता है यही के ग्रामीण होते हैं जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देख लीजिए तस्वीरों में। क्या बोलना चाह रहे थे फिर से बोलिएगा सर। हाँ, आप लोग से यही बोलेंगे कि सरकार के पास आप लोग मेरा जो रिपोर्ट है भेजिए, कि मतलब अगर दारू बंद कराए तो ढंग से दारू बंद करवाए, नहीं तो चालू करना है तो ढंग से चालू करवाए। मांग भी है? मांग है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, अब कौन देखेगा उसको? सरकार को तो मतलब यहाँ आना चाहिए और मतलब उस गरीब परिवार को मतलब कुछ मुआवजा देना चाहिए कि उसका परिवार मतलब जी सके। अच्छा, सरकार के कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे उसमें भी विकलांग। देखिए यहाँ पे तस्वीर देखिए किस तरीके से जो जिनकी मृत्यु हुई है शराब, जहरीली शराब पीने से, उसके 2 ये बच्चे हैं और वहाँ पे अपने पिता के जो सब है उसको जलाकर यहाँ पे बैठे हैं, देख लीजिए तस्वीरों में। विकलांग है क्या ये? दिव्यांग है, हाँ से। क्या नाम है बाबू? अजीत। अजीत, दो भाई हो जी। आपका क्या नाम है? बीर। बीर, हाँ। देखिए चेहरे पे जो मुस्कान है वो भावुक में बदल गया है। क्या कौन दारू पिलाया था भाई? मधु सिंह। मधु सिंह, क्या करते हैं मधु सिंह? अभी क्या बताएं? अच्छा, पापा डेली जाते थे क्या? हाँ, पी के डेली आते थे। बोलो हाँ, हाँ, बोलो, हाँ, हाँ, हाँ। देखिए शब्द भी नहीं है बच्चे के पास, क्योंकि सामने अगर 100 को जलाकर यहाँ पे बैठेगा तो क्या चाहते हैं बाबू? आप बताइए क्या चाहते हैं सरकार से? भविष्य के लिए चिंता है,
यहाँ के ग्रामीणों को और खुद ये दो बच्चे आखिरकार बिहार का नाम रोशन कैसे करेंगे? जब तक इनको पढ़ाने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, बिहार का नाम रोशन ये दोनों बच्चे नहीं कर सकते हैं। सरकार को चिंता करना चाहिए। कुछ मांग भी है, बताओ। हाँ। क्या मांग है? पढ़ने लिखने का। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? पढ़ने लिखने के लिए पैसा चाहिए। हाँ। कितना पैसा चाहिए? 10 लाख। अच्छा, किन से मांग कर रहे हैं? सरकार से। हाँ, सरकार से। सरकार से? सरकार से, मोदी सरकार। अच्छा, मोदी सरकार से। वाह, मोदी सरकार। अगर देश के कोई सबसे चर्चित चेहरा है तो मोदी जी है, और मोदी जी के बच्चा भी जानता है, और लालू जी के भी बच्चा जानता था। लालू जी के जानते हैं? नाम सुने हैं? नहीं। तो क्या कहेंगे बताइए आप? फिर से एक बार कहिए, हाथ जोड़ के कहिए, नीतीश चाचा से कहिए, हाथ उठा के कहेंगे, हाथ जोड़ के कहिए नीतीश चाचा से। वहाँ देखिए कैमरा में, बोलिए क्या बोलिएगा नीतीश चाचा से? बोलिए, पढ़े लिख देखते हैं, हमको पैसा चाहिए। अच्छा, 10 लाख। 10 लाख चाहिए? हाँ। हाँ, वो तो आप भी, आप अपना क्या कहेंगे इस पे, क्या प्रतिक्रिया दीजिए? हम क्या कहेंगे? हाँ। सारा दुनिया तो कहता है कि दारू बंद हो गया, दारू बंद हो गया, लेकिन कहाँ दारू बंद हो गया? हर जाइएगा, दिखाइए एक तरफ कैसे पे, कुछ दिखाइएगा, कहाँ दारू बंद हो गया? दारू के आग में मेरा भाई जल रहा है। नीतीश सरकार कहते हैं कि हम बिहार में दारू बंद कर दिए हैं, यहाँ तो पूरे घर घर में दारू मिलता है। पहले तो लोग ठेके पर जाते थे, यहाँ तो एक फोन मारो घर में दारू आता है। अच्छा, एक फोन मारने के बाद जहाँ बैठे हैं कि यहाँ कब्रिस्तान में है तो यहाँ भी दारू आपको मिलेगा। हम क्या कहें, दुख तो है, मेरा छोटा भाई है, अपने बेटे के जैसा, जितना अपने बेटे को नहीं खिलाए हैं उसको उतना खिलाए हैं, घुमाए हैं। आज दुख है कि अपने भाई को कंधे पर ला के यहाँ उसको जला रहे हैं। यही तो नीतीश सरकार में हमको मिला है।